हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का थर्ड लेसन। सो सी व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड लेसन? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। सो अभी हम ट्वेल्थ फिजिक्स का थर्ड लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। सो इस लेसन में हम गैसेस एंड रेडिएशन के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, कैन यू रिकॉल, सबसे पहले हमें हर लेसन में कैन यू रिकॉल दिया जाता है कि हमें कितना रिमेम्बर है, हमने कितनी पढ़ाई की है, जो अभी तक हमें याद है वो हमें बताना होता है। तो देखिए, इस बार भी कैन यू रिकॉल ये हमें मिला है। सो व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, राइट? और क्या क्या होते हैं? हमें पता है मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, राइट, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, राइट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, दिस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देन प्लाज्मा भी है, बट अभी हम ये 3 ही लेंगे। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट? आप सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में कैसे क्या क्या डिफरेंस कर सकते हो, या फिर आप कैसे डिफरेंस बता सकते हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में? ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, ये तो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिफर होती है, राइट, जिसके कारण हम इन तीनों स्टेट्स में डिफरेंस बता सकते हैं और डिफरेंस पहचान सकते हैं, क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग रहती है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। लिक्विड में स्ट्रांग रहती है बट कंपेयर टू गैसियस स्टेट ओनली, एंड गैसियस में सबसे वीक रहती है, राइट? सो इन तीनों स्टेट्स के जो डिफरेंस है हम कैसे बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ व्हाट आर गैस लॉज? अभी देखिए, हमने 11th स्टैंडर्ड में 4 गैस लॉज देखे थे, राइट? देयर आर 4 गैस लॉज। कौन कौन से? एक है चार्ल्स लॉ, देन दूसरा है बॉयलीज लॉ, देन वी हैव एवोगैड्रोज लॉ, एंड ऑल्सो देयर इज अनादर लॉ विच इज गे-लुसैक लॉ, राइट? सो यहाँ हमारे पास 4 लॉज होते, 4 लॉज हमने स्टडी किए हैं 11th स्टैंडर्ड में। अब देखिए, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? अभी यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि एकदम मिनिमम टेम्परेचर, राइट? यानी कि सबसे जो मिनिमम वाला टेम्परेचर रहता है उसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, राइट? और इस टेम्परेचर में पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती, राइट? No particles move. इसमें पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, वेयर एज इनका टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करते, 0 डिग्री होता है, राइट? एंड ऑल्सो एकदम मिनिमम टेम्परेचर, दैट इज अभी 0 डिग्री हम कह सकते हैं, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब देखिए, वॉट इज एवोगैड्रोस नंबर, वॉट इज मोल? अभी देखिए, वॉट इज एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एंड वॉट इज मोल, ये तो हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये तो अभी हमें लर्न ही हो गया होगा, राइट? विच इज 6.022 × 10⁻², राइट? ये होता है एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हम इस लेसन में स्टडी करने ही वाले हैं इनके बारे में। Then you have, how do you get ideal gas equation from the gas laws? आपको ideal gas का equation कैसे मिलता है? Using gas laws, यानी कि ये 4 laws use करके आपको ideal gas का equation कैसे मिलता है, ये भी हम इस lesson में सीखने ही वाले, वो भी introduction part में ही, तो ये भी हमें इस lesson में देखना है। Then we have, how is ideal gas different from real gases? Ideal gas, ये real gases से कैसे differ करती है, ये भी हमें इस लेसन में देखना है। देन हाउ इज इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल, सॉरी व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स? इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स होता क्या? सो देखिए, हमें पता है, सपोज देखिए यहाँ 2 पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं, कोलाइड होने वाले, ठीक है? ये 2 पार्टिकल्स है और ये कोलिजन कर रहे, कोलिजन परफॉर्म कर रहे, यानी कि क्या, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे। तो नॉर्मली होता क्या है कोलिजन में, एक की सपोज दिस इज अ पार्टिकल ए एंड दिस इज द पार्टिकल बी, ओके,
दिस इज द पार्टिकल ए एंड दिस इज द पार्टिकल बी. तो होता क्या है, ये कोलिजन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट. तो कोलिजन करते वक्त इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सचेंज हो जाती है. यानी कि मूवमेंट करते वक्त जो एनर्जी आती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, राइट, वो इन दोनों में एक्सचेंज हो जाती है. यानी कि ए की काइनेटिक एनर्जी बी में चली जाएगी एंड बी की काइनेटिक एनर्जी ए में चली जाएगी. ये होता है कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स में, करेक्ट. बट इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ये सेम रहती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ये एक्सचेंज नहीं होती. सो हियर वी कैन से नो काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज सेम. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी ए में है वो ए में ही रहेगी और जो काइनेटिक एनर्जी बी में है वो बी में ही रहेगी. इसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स. देन वी हैव व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अभी क्या है, व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अभी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता क्या है, तो देखिए ये भी बड़ा आसान है. तो देखिए, सपोज हियर वी हैव अ कंटेनर, ठीक है, जिसमें लिक्विड भरा है. तो यहाँ रहेंगे लिक्विड के पार्टिकल्स, राइट. यहाँ एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है एंड इसके ऊपर हम एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. सपोज इस लिक्विड के ऊपर हम एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. अभी देखिए, अगर हम इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो प्रेशर है वो इस इन सारे मॉलिक्यूल्स में, इन सारे मॉलिक्यूल्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, राइट. ये जो प्रेशर हम इस कंटेनर पे, इस लिक्विड पे अप्लाई कर रहे हैं, ये जो प्रेशर है वो इन मॉलिक्यूल्स पे स्प्रेड हो जाएगा, यानी कि इक्वली डिवाइड हो जाएगा, राइट. सो अगर मुझे इस पूरे कंटेनर के ऊपर का प्रेशर फाइंड करना है, यानी कि मुझे टोटल प्रेशर अगर फाइंड करना है, अगर मुझे कंटेनर का टोटल प्रेशर फाइंड करना है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, सम ऑफ दिस पार्शियल प्रेशर. टोटल प्रेशर क्या होगा, सम ऑफ दिस पार्शियल प्रेशर. क्यों, क्योंकि अगर हम अगर हमने यहाँ ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया है तो वो जो प्रेशर है वो इक्वली डिवाइड हो गया इन पार्टिकल्स पे, इन मॉलिक्यूल्स पे, राइट. तो अगर हम इन मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को ऐड करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को ऐड करते हैं, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर रहेगा, राइट, सभी पे एकदम स्मॉल, सभी पे इक्वली प्रेशर डिवाइडेड हो चुका है, राइट, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में. सो ये जो पार्शियल प्रेशर है इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर. तो अगर इन सारे पार्टिकल्स के प्रेशर को हम ऐड करते हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर को हम अगर ऐड करते हैं, तो हमें इस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर मिल जाएगा, राइट, पूरे कंटेनर का प्रेशर मिल जाएगा. तो यह पार्शियल प्रेशर फर्स्ट मॉलिक्यूल पे, सेकेंड मॉलिक्यूल पे, ऐसे करते करते एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है अगर उसको हम ऐड कर दे तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा, राइट. तो यही कहा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने, कि अगर आपको टोटल प्रेशर फाइंड करना है तो इट इज एडिशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर, राइट. तो ये हमने, ये 9 क्वेश्चन हमें देखने थे कैन यू रिकॉल में, जिसे हमने क्या क्या सीखा था वो भी हमें रिकॉल हो चुका है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन्हें हमें इस लेसन में डील करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लेसन, विच इज इंट्रोडक्शन. तो देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू द 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हिच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि मैटर के थ्रू 3 स्टेट होते हैं, राइट, कॉमन 3 स्टेट होते हैं. कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम सॉलिड लिक्विड के बारे में नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि सॉलिड लिक्विड के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में स्टडी किया है, राइट. सो इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट गैसेस. यू हैव ऑल्सो स्टडीड द गैस लॉ, बोलेज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे लूसैक लॉ. एंड फ्रेंड्स, हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है ये गैस के 4 लॉ, एक है बॉयलीज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे लूसैक लॉ, एंड 4th वन इज एवोगैड्रोस लॉ, राइट. तो ये 4 लॉस आपने गैस के बारे में ऑलरेडी स्टडी किए हैं, राइट. द आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 3 गैस लॉस. तो फ्रेंड्स, अभी हमें करना क्या है, ये जो तीनों गैस लॉ है इनके हेल्प से हम आइडियल गैस इक्वेशन बना सकते हैं. ये जो तीनों लॉज है इनके हेल्प से हम एक आइडियल गैस का इक्वेशन बना सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू मेक एन इक्वेशन फॉर आइडियल गैस. द वॉल्यूम वी ऑफ अ गैस
is inversely proportional to the प्रेशर पी, टेम्परेचर बींग हेल्ड कॉन्स्टेंट. तो देखिए पहला लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से. देखिए बॉयलीज लॉ यही कहते हैं दैट द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. यानी कि टेम्परेचर जब कॉन्स्टेंट होगा तब जो गैस का वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेगा प्रेशर से. यानी कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब प्रेशर डिक्रीज होगा. ऑफकोर्स जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अब देखिए सेपरेटली वॉल्यूम वी एंड प्रेशर पी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो देखिए यहाँ सेपरेटली यानी कि वॉल्यूम ये डायरेक्टली प्रेशर है टेम्परेचर को एंड प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये दो लॉ अलग अलग लॉ कहते हैं कि वॉल्यूम जो है एंड प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को. देखिए चार्ल्स लॉ यही कहता है दैट द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. जब कॉन्स्टेंट प्रेशर रहेगा तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर को, राइट इन अ नटशेल. तो देखिए अभी बॉयलीज लॉ ने क्या कहा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. चार्ल्स लॉ ने क्या कहा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. एंड गे लूसैक लॉ ने क्या कहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. यानी कि जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर से, राइट. एंड यहाँ एक फोर्थ लॉ भी है विच इज जो एवोगैड्रोस लॉ है. क्या बताता है एवोगैड्रोस लॉ, दैट द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. एंड क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट. सो द फोर्थ लॉ यानी कि एवोगैड्रोस लॉ क्या बता रहा है, दैट द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स. अब देखिए ऑल द थ्री लॉज अप्लाई टू फिक्स्ड मास एम ऑफ एन एनक्लोज्ड गैस. तो देखिए ये जो तीनों लॉ हैं, ये जो तीनों लॉ हैं, ये हमने किस पे अप्लाई किए हैं, एक एनक्लोज्ड गैस पे. यानी कि ऐसा ग्लास, ऐसा गैस जो एक बंद है, राइट. एंड इस गैस का जो मास है वो फिक्स्ड है यानी कि एम. इस गैस का मास चेंज नहीं हो रहा है यानी कि फिक्स्ड मास है विच इज एम. और इन तीनों ही लॉज में यही अप्लाई किया गया है कि गैस का जो मास है वो फिक्स्ड है विच इज एम. अब देखिए कंबाइनिंग द थ्री लॉज इनटू अ सिंगल रिलेशन फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस याइल्स आइडियल गैस इक्वेशन. अब देखिए अब हम इन तीनों ही गैस के इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं एक सिंगल इक्वेशन में, अब हमें करना क्या है, हम इन तीनों लॉ को एक तीनों इक्वेशन को या फिर तीनों लॉ को एक सिंगल इक्वेशन में बनाना है, राइट. और इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, दैट द गैस हैज अ फिक्स्ड मास. इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, दैट द गैस हैज अ फिक्स्ड मास. सो वी विल कंस्ट्रक्ट अ आइडियल गैस इक्वेशन. सो अब देखिए पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. अभी देखिए अगर हम इन तीनों लॉज को ज्वाइन करते हैं तो देखिए क्या आता है, बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. देन चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, देखिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए सो टी. सो यहाँ हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब देखिए अगर मैं ये पी को वी के साथ डाल दू, यानी कि वी के साथ जोड़ दू, यानी पी उस साइड चला जाएगा यानी कि मल्टीप्लीकेशन में, तो तब क्या बन जाएगा, पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट. तो यही हमें मिला, देखिए ये बॉयलीज लॉ एंड चार्ल्स लॉ से, तो हमें ये मिला, राइट, दैट प्रेशर, सॉरी पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो हमने यहाँ सॉल्व किया है. अब देखिए और पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि देखिए प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाने के लिए हम कॉन्स्टेंट यूज कर रहे हैं, राइट. सो देखिए अभी इसका मतलब क्या है कि इनिशियल गैस का जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये इक्वल रहेगा फाइनल गैस के टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम से.
जब रिएक्शन होता है, जो चेंजेस होने वाले हैं, उसमें भी आपको क्या मिलेगा कि गैस का रिएक्शन होने के बाद भी जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है वो सेम ही है जो पहले था, करेक्ट। इससे हमें क्या समझता है कि जो इनिशियल गैस के स्टेट थे, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो सेम है रिएक्शन करवाने के बाद भी। तो ये इससे हमें ये पता चलता है, तो ये हमें चार्ल्स लॉ से पता चला, बॉयलीज लॉ से। तो अब देखिए, एक्सप्रेसिंग द फिक्स्ड मास ऑफ गैस इन द अबाउट थ्री लॉज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑफ अ गैस। तो अब देखिए, एक्सप्रेसिंग द फिक्स्ड मास ऑफ गैस इन द अबाउट थ्री लॉज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑफ अ गैस। अब देखिए, हमने इन तीनों लॉज में एक कंडीशन रखी थी, एक रिलेशन रखा था, कि वो रिलेशन क्या था कि तीनों लॉज में हम एक गैस, एनक्लोज्ड गैस रखेंगे जिसका मास क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा, जिसका मास क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा। तो ये जो गैस है उसका मास हमने लिया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो गैस का मास है वो हमने किस में लिया है, नंबर ऑफ मोल्स से, जो हम एन से शो करते हैं। तो इन तीनों ही गैस में एक कॉमन चीज है, दैट द गैस हैज फिक्स्ड मास एंड गैस का मास हमने नंबर ऑफ मोल्स में लिया है। तो देखिए, तब हमें इक्वेशन कैसा मिलता है, दैट इज पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। देखिए अब ये कैसे, अब देखिए जो फोर्थ लॉ है वो एवोगैड्रोस लॉ है, उन्होंने क्या कहा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं इसी में ऐड कर सकती हूँ, पहले तो क्या हो गया, बॉयलीज लॉ है, चार्ल्स लॉ है, उसके बाद थर्ड लॉ क्या है, यानी कि जो नेक्स्ट लॉ है वो क्या है, दैट द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ हम एन लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, राइट। तो अब इससे क्या पता चलता है, अगेन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए कैसे, पी को उस साइड भेज दिए, पी को उस साइड भेज दीजिए, सो पी इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए एन इंटू, सॉरी टी इंटू एन, तो यहाँ आ गया एन इंटू टी, राइट, यहाँ आ गया वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी की साइन है, राइट, तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन अगर हमें हटानी है तो हम क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट लिखते हैं, राइट। सो अगर आपको ये सिंबल हटाना है तो आप क्या करोगे, एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट यहाँ ऐड कर दोगे। तो ये जो आर है ये है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, सो यहाँ बन जाता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ आर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, या फिर आप इसे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट भी कह सकते हो। सो पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, इज इक्वल टू एन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, एंड टी इज फॉर टेम्परेचर, राइट। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। और सो फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है आइडल गैस का, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन होता है आइडल गैस का इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने जो थ्री लॉज देखे थे उससे हमने आइडियल गैस का इक्वेशन ढूंढ निकाला है। अब देखिए, अब इसमें एन आ रहा है, यानी कि क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, प्रेशर तो दिया होगा, वॉल्यूम है हमारे पास, आर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, उनकी वैल्यू, आर की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट रहेगी, टेम्परेचर भी दिया रहेगा, तो सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एन, विच इज नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर क्या होते हैं, तो देखिए, वेयर नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला तो हमने 11th में देख लिया था, दैट इज एन इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास, उस गैस का पूरा मास अपॉन मोलर मास। सो और इसे ही हम कैसे दिखाते हैं, n, that is number of molecules upon na, that is Avogadro's number. So number of moles is equal to mass of gas upon molar mass, और इसे ही आप दिखा सकते हो, n for number of moles upon Avogadro's number. So ये formulas होते हैं number of moles find out करने के, n for number of moles upon total number of molecules, sorry, n stands for number of molecules upon Avogadro's number. तो मोलर, अब देखिए मोलर मास इज अ मास ऑफ वन मोल ऑफ गैस,
एवोगाड्रोस नंबर में ही हम मोलार मास यूज करते हैं, तो क्या है, मोलार मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ गैस, राइट। ये तो हमें पता है कि मोलार मास में हम एवोगाड्रोस नंबर यूज करते हैं। तो देखिए मोलार मास क्या होता है, मोलार मास ये गैस के एक मोल का मास होता है, गैस के एक मोल का मास मतलब मोलार मास, राइट। गैस के एक मोल का मास मतलब मोलार मास। सो मास ऑफ वन मोल ऑफ गैस, गैस के एक मोल का मास क्या होगा, मोलार मास, तो जो हम यहाँ यूज करते हैं, विच इज एंड इसे हम एवोगैड्रो नंबर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमने पता कर लिया कि एन कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए हियर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो देखिए आर क्या है, आर हमें पता है आर क्या है, आर इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। हैविंग द सेम वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। सो आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, तो आर की वैल्यू क्या है, 8.314 जूल मोल पर केल्विन फॉर ऑल द गैसेस। सभी गैसेस के लिए जो आर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, विच इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब देखिए एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, यानी कि उस गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये होता है एन। एंड एन ए इज द एवोगैड्रोस नंबर, जो मैंने पहले ही कहा था एन ए क्या है, एन ए इज द एवोगैड्रोस नंबर एंड इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ गैस। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, मोलर मास, यानी कि इसे हम कैसे बता सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ गैस, गैस के एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये भी आपको पता चल जाएगा। गैस के एक मोलिक एक मोल में, गैस के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपको एवोगैड्रो नंबर बता देता है, राइट। सो अल्टरनेटिवली पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी। सो अभी देखिए और एक फॉर्मूला हमें यहाँ मिल जाता है, जो है पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, देखिए क्या चेंजेस हुए। सो यहाँ के बी कैसे आया, पहले तो हम यहाँ आर लिखते थे और अभी यहाँ के बी कैसे आए। सो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अभी यहाँ हम स्मॉल एन से कैपिटल एन की तरफ कैसे पहुंचे, ये हमें देखना है। सो देखिए एन किसके लिए था, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, राइट, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स। और अब अभी नीचे अगर देखोगे तो हमें यहाँ इक्वेशन मिला कि एन की वैल्यू क्या है, एन अपॉन एन ए, एन की वैल्यू क्या मिली, एन अपॉन एन ए। सो एन की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट, तो वही वैल्यू उन्होंने वहां पुट की है। देखिए तो यहाँ आ जाता है पी वी इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है, एन अपॉन एन ए आर टी, क्या यहाँ एन की वैल्यू क्या है, एन अपॉन एन ए आर टी, तो ये आपको पता चल गया। अब देखिए ये के बी क्या है, अब यहाँ तो हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वेर के बी इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। तो देखिए के बी क्या है, के बी एक बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, यानी कि हम प्रोपोर्शनैलिटी, आर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, राइट, तो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट के अलावा हम यहाँ के बी यूज कर सकते हैं, दैट इज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट हम यहाँ यूज कर सकते हैं। आर एंड के बी आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। अब देखिए प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट ये एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे क्या, देखिए R इज इक्वल टू एन ए के बी, आर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर इन टू बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। सो R एंड के बी ये इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी है, राइट, स्मॉल n से कैपिटल A तक कैसे पहुंचे, यहाँ तो हमें क्या मिला था, एन अपॉन एन ए, राइट, एन अपॉन एन ए, तो ये एन ए कहाँ गया वो देखेंगे, तो इसीलिए हमने ये दो लाइन सेलेक्ट पढ़ ली। अभी देखिए आर की वैल्यू क्या मिली हमें, एन ए के बी, सो अगर वो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए, सो हियर वी हैव पी वी इज इक्वल टू, यहाँ एन की वैल्यू क्या है, एन अपॉन एन ए, राइट, एन अपॉन एन ए। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है एन ए इंटू के बी,
सो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं एन ए इंटू के बी. अब देखिए एंड दिस इज टी, आर की तो वैल्यू लिख दी एंड दिस इज हियर वी हैव टी. सो अब देखिए पी वी इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, एन ए इंटू के बी इंटू टी. अब देखिए एन ए एंड एन ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों तरफ एन ए था तो वो कैंसिल हो गया, राइट. सो यहाँ हमें क्या बचा, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी, राइट. सो पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी. सो इस तरीके से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट की जगह हम बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट लिखते हैं तो हमारी वैल्यू यहाँ क्या आ जाती है, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी. तो ये हमारा अल्टरनेटिव इक्वेशन जहां हम प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को छोड़ के बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट यूज करते हैं. अब देखिए द लॉज ऑफ बॉयली चार्ल्स एंड गे लूसैक आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर रियल गैसेस ओनली इफ द प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट क्लोज टू लिक्विफैक्शन टेम्परेचर ऑफ गैस. तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो तीन लॉज बनाए हैं गैस के ऊपर, दैट इज बॉयलीज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे लूसैक लॉ, ये रियल गैस पे स्ट्रिक्टली वैलिड है, ये रियल गैस पे स्ट्रिक्टली वैलिड है. बट कब वैलिड है, जब प्रेशर ये ज्यादा हाई ना हो, यानी कि गैस का प्रेशर ये टू हाई ना हो एंड टेम्परेचर जो है वो लिक्विफिकेशन पे, लिक्विफिकेशन के क्लोज ना हो, यानी कि टेम्परेचर को इतना भी हाई नहीं बना देना है कि वो गैस को लिक्विफाइड कर दे, राइट. क्योंकि ये जो लॉज है वो गैस पे वैलिड होते हैं ना कि लिक्विड में, राइट. तो टेम्परेचर को इतना भी चेंज नहीं कर देना है कि वो लिक्विफिकेशन के क्लोज में आ जाए. तो लिक्विफिकेशन से दूर आपको टेम्परेचर को मेंटेन करना है और प्रेशर ये ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए. सिर्फ इस दो ही कंडीशन में आपको ये तीनों ही लॉज वैलिड दिखेंगे रियल गैस के, राइट. सो अब देखिए अ गैस ओबेइंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एट ऑल प्रेशर्स एंड टेम्परेचर इज एन आइडियल गैस. तो आप देखिए ये तो आपको पता चल गया है कि ये जो तीनों लॉज है ये रियल गैस के लॉज है, राइट. अब हमने ये जो आइडियल गैस का इक्वेशन ढूंढा है इसे ही हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं. तो देखिए ये जो इक्वेशन, कोई भी गैस अगर ये इक्वेशन को फॉलो करती है, कोई भी गैस अगर ये इक्वेशन को फॉलो करती है हर प्रेशर में और हर टेम्परेचर में, यानी कि सारे प्रेशर एंड सारे टेम्परेचर में अगर वो गैस एक इस इक्वेशन को फॉलो करती है तो वो गैस आइडियल गैस बन जाती है. तब वो गैस क्या बन जाएगी, आइडियल गैस, जब वो ये इक्वेशन को फॉलो करती है एट ऑल द प्रेशर्स एंड टेम्परेचर. सो क्लियर. सो यहाँ हमने देखा इंट्रोडक्शन कि हमने गैस लॉ से हमने आइडियल गैस का इक्वेशन फाइंड आउट किया, देन प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को हटाकर हम बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो अगर कोई गैस आइडियल गैस का इक्वेशन को फॉलो करती है एट ऑल द प्रेशर्स एंड टेम्परेचर तो वो गैस आइडियल गैस बन जाती है. ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा. अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट. अब जो हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें देखना है, फॉर अ गैस इट्स स्टेट इज स्पेसिफाइड बाय नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सच एज प्रेशर टी, टेम्परेचर टी, वॉल्यूम वी, इंटरनल एनर्जी ई एक्सेट्रा. तो देखिए अगर कोई भी गैस है अगर उसका हमें स्टेट बताना है, किसी भी गैस का अगर स्टेट बताना है तो हम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को कंसिडर करते हैं. अगर हमें किसी भी गैस का स्टेट बताना है तो हम बहुत नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को कंसिडर करते हैं, जैसे कि उस गैस का हमें प्रेशर पता होना चाहिए, आपको प्रेशर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर स्पेसिफाई करना होगा, वॉल्यूम स्पेसिफाई करना पड़ेगा एंड इंटरनल एनर्जी भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. जब अब देखिए हेंस द इक्वेशन रिलेटिंग दिस क्वांटिटीज इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट. सो जो इक्वेशन, अब देखिए इन चारों को मिलाकर जो इक्वेशन इस क्वांटिटी, जो इक्वेशन इन चारों क्वांटिटीज से रिलेट करता हो, जो इक्वेशन इन चारों क्वांटिटीज से रिलेट करता हो उस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं. देखिए यहाँ भी पी भी है, वॉल्यूम भी है, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, राइट. सो कोई भी इक्वेशन अगर इन क्वांटिटीज से रिलेटेड हो तो उसे क्या कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट. इसीलिए इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं. सो क्लियर. सो किसी भी गैस को अगर आपको स्पेसिफाई करना है उनका स्टेट तो ये चार क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है,
राइट। और इन चारों क्वांटिटीज को अगर कोई इक्वेशन रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब वो होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में सीखा। अब हम देखने वाले हैं बिहेवियर ऑफ गैस, कि गैस का बिहेवियर कैसा रहता है। तो अब तक हमने देखा कि सॉलिड एंड लिक्विड कैसे बिहेव करते हैं, अब हम देखेंगे जो थर्ड स्टेट है मैटर का वो कैसे बिहेव करता है। अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड इन एयर रीचेस अ सर्टेन हाइट एंड फॉल्स बैक टू अ ग्राउंड। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि अगर एक थ्रोन, अगर एक स्टोन को अगर हम ऊपर थ्रो करें, यानी कि इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रो करें इन एयर में, वो स्टोन जो है एक सर्टन हाइट पे पहुंचता है एंड बाद में नीचे गिर जाता है, राइट। अगर एक स्टोन है जिसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, दैट इज इन द एयर, देन इट रीचेस अ सर्टन हाइट। वो जो स्टोन है वो सर्टन हाइट पे रीच करता है, यानी कि पहुंचता है, एंड अगेन फॉल्स बैक, एंड फिर से वो ग्राउंड की तरफ गिरने लगता है, राइट। इट्स मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड वेल विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और ये जो स्टोन का मोशन है, ये जो एक्टिविटी है, ये तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। जो चीज आपने ऊपर फेंकी है वो नीचे तो गिरने ही वाली है, ये हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से बताते हैं, राइट। अ गैस एनक्लोज इन अ कंटेनर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अब देखिए, ये तो एक्टिविटी हो गई। अब देखिए, अगर कोई गैस है जो एक कंटेनर में बंद है, यानी कि एक एनक्लोज्ड गैस है जो एक कंटेनर में बंद है, तो उसके हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखते हैं, गैस का प्रेशर देखते हैं, गैस का वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये तीन चीजें हम गैस के बारे में देखते हैं, अगर वो गैस एनक्लोज्ड है तो। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैस। सो इन अगर कोई गैस अगर इनक्लोज कंटेनर में हो, तो हम उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे बताते हैं, उनका प्रेशर, उसका गैस का वॉल्यूम एंड गैस का टेम्परेचर हम कंसिडर करते हैं। तो इसी ऑब्जर्वेशन को, इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैस कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या, पूरे कंटेनर का। माइक्रोस्कोपिक क्या, पूरे कंटेनर का। एंड माइक्रोस्कोपिक क्या, माइक्रो मतलब छोटा छोटा, माइक्रो मतलब क्या, स्मॉल स्मॉल, एंड मैक्रो मतलब क्या, बड़े से। यानी कि मैक्रो मतलब जो टोटल कंटेनर का प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, वो हमें देखना है, जिसमें गैस एनक्लोज्ड है, जिसमें क्या, गैस एनक्लोज्ड है, ठीक है। अब देखिए, यू नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। ये तो हमें पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट मोशन में रहते हैं, राइट। जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, जो गैस के पार्टिकल्स है, वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट मोशन में रहते हैं। अनलाइक इन द केस ऑफ अ मोशन ऑफ अ स्टोन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मॉलिक्यूल। अब देखिए, अनलाइक इन द केस ऑफ मोशन, अब ये तो हमने नॉर्मल केस में देखा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, राइट। पर अभी हमने जो एक्टिविटी हमने यहाँ मेंशन की थी, जो पढ़ी हमने, कि अगर स्टोन हम थ्रो कर रहे हैं, अगर स्टोन हम थ्रो कर रहे हैं, तो तब गैस का बिहेवियर बताना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। जब हम कोई सब्सटेंस थ्रो कर रहे हैं इन द एयर, तब जो गैस के पार्टिकल्स है, तब उनका जो मोशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो तब उन गैस का बिहेवियर बताना बहुत ही डिफिकल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल। और इन जो गैस का बिहेवियर है, अगर वो हमें सिंगल पार्टिकल के ऊपर बताना, यानी कि गैस का बिहेवियर कैसा है, अगर हम उसे सिंगल पार्टिकल के हेल्प से बताएं, तो वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये उन्होंने बताया है कि हम सिंगल पार्टिकल से या फिर सिंगल मॉलिक्यूल के हेल्प से पूरे गैस का बिहेवियर बता नहीं सकते, राइट। हम एक सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल मॉलिक्यूल के हेल्प से पूरे गैस का बिहेवियर नहीं बता सकते। अब देखिए, क्यों नहीं बता सकते। तो देखिए, कोलिजन ऑफ पार्टिकल हमने देखा होगा, राइट। हमने इंट्रोडक्शन के पहले देखा, राइट, कोलिजन ऑफ पार्टिकल। कोलिजन ऑफ पार्टिकल में होता क्या है, दो पार्टिकल होते हैं, राइट, और जो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, यानी कि एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, राइट। कोलिजन ऑफ पार्टिकल में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और टकरा जाते हैं, राइट, क्लोज आ जाते हैं, यानी कि कोलाइड हो जाते हैं।
तो जब वो कोलाइड होते हैं तब वो उनकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट? ये हम कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स की नहीं। तो कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता है, ये जो दो पार्टिकल्स है, दो मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं एंड जो उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो उन्होंने मोशन किया है उसके कारण उनके अंदर जो एनर्जी आई है विच इज काइनेटिक एनर्जी, वो एक दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि ए की एनर्जी चली जाएगी बी में, बी की एनर्जी चली जाएगी ए में, राइट? तो अब देखिए ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के जो एक दूसरे से कोलाइड होते होंगे, राइट? ऐसे सारे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक दूसरे से कोलाइड होते होंगे, और कितने बार उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई होगी, राइट? कितने टाइम्स उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई होगी। तो अब क्या आप बता सकते हो क्या कि गैस का बिहेवियर एक सिंगल पार्टिकल के साथ, सिंगल पार्टिकल के हेल्प से आप गैस का बिहेवियर बता सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक गैस का मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, क्योंकि वो अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज होती है, राइट? तो हम सिंगल पार्टिकल या फिर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस के हेल्प से हम पूरे गैस का बिहेवियर नहीं बता सकते, यानी कि वो बहुत ही डिफिकल्ट है। क्या है वो? बहुत ही डिफिकल्ट है समझने के लिए। अब देखिए, अ नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ गैस इज इटसेल्फ सो लार्ज, अप्रोक्सीमेटली 10^23 पार्टिकल्स पर मीटर। अब देखिए गैस में कितने गैस के पार्टिकल्स ही इतने ज्यादा होते हैं, जैसे कि देखिए अप्रोक्सीमेटली 10^23 पार्टिकल्स रहेंगे पर मीटर क्यूब, यानी कि पर मीटर क्यूब आपको 10^23 पार्टिकल्स मिलेंगे। तो वो जो जितने भी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, राइट? तो कितना डिफिकल्ट होता होगा कि एक पार्टिकल के हेल्प से आप पूरे गैस का बिहेवियर बता सको, राइट? ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि गैस में खुद बहुत सारे 10^23 पार्टिकल्स होते हैं पर मीटर क्यूब में। तो इसीलिए दैट एनी अटेम्प्ट टू रिलेट द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी विद द मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल वुड बी फुटल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी अटेम्प्ट अगर हम कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर से, यानी कि अगर हम सिंगल पार्टिकल के हेल्प से हम इतने बड़े पैरामीटर्स को रिलेट करें, एक सिंगल अगर हम एक सिंगल पार्टिकल के हेल्प से, एक इंडिविजुअल पार्टिकल के हेल्प से अगर हम पूरे कंटेनर के जो पैरामीटर्स है दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, अगर इसको रिलेट कर रहे हैं तो इट विल बी ऑफ वो जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाएगा, यानी कि इसका कोई भी यूज नहीं होगा। क्योंकि सिंगल पार्टिकल से आप कभी भी पूरे कंटेनर का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी नहीं बता पाओगे, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो फुटाइल यानी कि अनसक्सेसफुल हो जाएगा, फेल हो जाएगा और वो कोई भी यूज का नहीं रहेगा। तो अब देखिए सिंगल पार्टिकल के हेल्प से तो हम पूरे कंटेनर का माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर तो नहीं फाइंड कर सकते, तो अभी क्या क्या जाएगा? तो देखिए, हेंस सर्टन असम्पशंस आर मेड रिगार्डिंग द पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब देखिए कुछ ऐसे असम्पशंस करने पड़े हमें कि रिगार्डिंग पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। देखिए क्या असम्पशन किए, एवरेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड आर ऑब्टेंड एंड दिस एवरेज आर फाइनली रिलेटेड टू द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ गैस। अब देखिए क्या क्या गया, अब हम सिंगल पार्टिकल्स से तो बता नहीं सकते, तो अभी असम्पशन कुछ असम्पशन किए गए कि गैस के मॉलिक्यूल के साथ। देखिए क्या क्या असम्पशन किए गए, तो अभी हमने एवरेज फिजिकल क्वांटिटीज ली, किसकी क्वांटिटी ली, एवरेज फिजिकल क्वांटिटी ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अब हमने सिंगल पार्टिकल नहीं लिया, अब हमने बहुत सारे पार्टिकल्स लिए एंड देन उनका एवरेज निकाला, एंड देन उनका एवरेज निकाला जिस अब देखिए यानी कि कैसे, सपोज आप एक फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, आप क्या ले सकते हो, ठीक है चलो वॉल्यूम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, वॉल्यूम ले लीजिए, या फिर आप काइनेटिक एनर्जी, हाँ ठीक है काइनेटिक एनर्जी ले लिए, ले लीजिए। तो देखिए इस कंटेनर में सपोज 5 मॉलिक्यूल्स सभी मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है सभी एवरेज फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी सपोज 1, इनकी इसकी काइनेटिक एनर्जी 2,
इनकी थ्री है, इसकी फोर है, एंड फिफ्थ मॉलिक्यूल हैज अ काइनेटिक एनर्जी एज फाइव. अब देखिए हमें एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, जितने फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, फिजिकल क्वांटिटीज के वैल्यूज को ऐड कर दीजिए अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, सो इट इज डिवाइडेड बाय फाइव, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनका एवरेज मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा. अब देखिए हमने कैसे फाइंड किया, फिजिकल क्वांटिटीज के वैल्यूज को ऐड किया अपॉन नंबर ऑफ द एटम्स या फिर नंबर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, सो जिससे हमें एवरेज मिल जाएगा. तो अभी हमने क्या किया, हमने एक सिंगल पार्टिकल नहीं लिया, हमने बहुत सारे पार्टिकल्स लिए एंड देन उन पार्टिकल्स के एवरेज फिजिकल क्वांटिटी निकाली, क्या निकाली, एवरेज फिजिकल क्वांटिटी, एंड देन उन फिजिकल क्वांटिटीज को, यानी कि टेम्परेचर के लिए अलग, इंटरनल एनर्जी के लिए अलग, काइनेटिक एनर्जी के लिए अलग, जो उनके एवरेज वैल्यूज है, तब उन एवरेज वैल्यूज को रिलेट किया गया मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर ऑफ गैस, देन उन एवरेज क्वांटिटीज को रिलेट किया गया पूरे कंटेनर के, यानी कि मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर से, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी से रिलेट किया गया. सो क्या किया हमने, एवरेज फिजिकल क्वांटिटीज ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट किया मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर ऑफ गैस से. दिस इज द अप्रोच ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. और तभी से अब हमें समझ में आ गया कि हम गैस का बिहेवियर कैसे फाइंड आउट कर सकते, कैसे किया हमने, एवरेज फिजिकल क्वांटिटीज लिखे. तो तब से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की शुरुआत हुई कि हम गैसेस के बारे में कैसे स्टडी कर सकते हैं. तो ये देखा हमने बिहेवियर ऑफ गैस में कि हम गैस का बिहेवियर कैसे फाइंड करेंगे. इंट्रोडक्शन में भी हम इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया. अब हम देखने वाले हैं आइडल गैस एंड रियल गैस. तो देखिए आइडल गैस एंड रियल गैस क्या होता है. वी नो दैट अ गैस ओबेइंग आइडल गैस इक्वेशन एट ऑल प्रेशर्स एंड टेम्परेचर इज एन आइडल गैस. तो देखिए ये तो हमें पता है, हमने अभी देखा था इंट्रोडक्शन में भी कि ऐसी गैस जो आइडल गैस का इक्वेशन दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को अगर ओबे करती है, यानी कि फॉलो करती है एट ऑल द प्रेशर्स एंड टेम्परेचर, हर प्रेशर में एंड सारे टेम्परेचर में, तो वो गैस क्या हो जाती है, आइडल गैस. राइट, यानी कि कोई भी गैस अगर आइडियल गैस का इक्वेशन फॉलो करती है सारे प्रेशर एंड सारे टेम्परेचर में, तो वो गैस क्या बन जाती है, आइडियल गैस. इन एन आइडियल गैस इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन आर एब्सेंट. अभी ये देखा गया कि जो आइडियल गैस है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन ये एब्सेंट है. इंटरमॉलिक्यूल यानी कि क्या, मॉलिक्यूल के बीच में. देखिए मॉलिक्यूलर ये तो समझ में आ गया मॉलिक्यूल, और इंटर मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि इंटर मॉलिक्यूल. इंटर मॉलिक्यूल यानी कि क्या, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में. सो आइडियल गैस में ये देखा गया कि इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो एब्सेंट है. मॉलिक्यूल्स के बीच में का जो अट्रैक्शन का फोर्स है, रिपल्शन का फोर्स है, वो क्या है, एब्सेंट है. सो रियल गैस आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स which do interact with each other. अब देखिए आइडल गैस का तो पता चल गया कि आइडल गैस में इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन ही एब्सेंट होता है, पर रियल गैस किससे बना है, रियल गैस तो हमें पता है जो हम एक्चुअल में फील होता है. सो रियल गैस के जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स है इनमें प्रेजेंट होते हैं. रियल गैस किससे बनी है, रियल गैस बनी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से, और ये जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स है वो तो इंटरैक्ट करते हैं. राइट, उनमें तो इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन होता ही होता है. राइट, अभी हेंस नो रियल गैस इज ट्रूली आइडियल एज डिफाइंड हियर. तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ जो मेंशन किया है इससे हमें क्या समझ में आता है कि आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एब्सेंट होता है एंड रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन प्रेजेंट होता है. तो इससे हमें क्या समझता है कि जो रियल गैस है, इससे हमें समझता क्या है कि जो रियल गैस है वो ट्रूली आइडियल गैस नहीं होती. राइट, क्योंकि गैस में थोड़ा बहुत तो इंटरैक्शन होता ही होता है, बट आइडियल गैस में ये इंटरैक्शन एब्सेंट है. सो जो रियल गैस है वो ट्रूली आइडियल गैस नहीं होती. अगर वो थोड़ा सा भी इंटरैक्शन नहीं होता तो वो आइडियल गैस बनती है, बट रियल गैस में इंटरैक्शन होता है, इसीलिए रियल गैस ये ट्रूली पूरी तरीके से आइडियल गैस नहीं होती. इफ द एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रियल गैस आर सो फार अपार्ट दैट देयर इज प्रैक्टिकली नो इंटर एटोमिक इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन द रियल गैस इज सेड टू बी इन द आइडियल स्टेट.
अब देखिए, अभी देखिए गैसेस में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के बीच में। अब देखिए अभी उन्होंने क्या कहा, अगर जो मॉलिक्यूल्स है या फिर एटम्स है रियल गैस में के, अगर रियल गैस के जो एटम्स है जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत ही दूर है, अगर वो एक दूसरे से बहुत दूर है तब क्या हो जाता है, और बहुत दूर है यानी कि उनके बीच में इंटर एटोमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं हो रहा, वो इतने दूर है कि इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर सॉरी इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या फिर इंटर एटोमिक इंटरेक्शन एब्सेंट है, नहीं हो रहा, तब जो रियल गैस है वो आइडल स्टेट में चली जाती है, क्योंकि तब इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एब्सेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत ही दूर चले जाते हैं। राइट, जब आप प्रेशर को डिक्रीज कर दो, जब आप प्रेशर को डिक्रीज कर दो तब जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्री हो जाएंगे, जिसके कारण वो एक दूसरे से बहुत ही दूर चले जाएंगे, जिसके कारण इंटर एटोमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ये जिसके कारण इंटर एटोमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा यानी कि एब्सेंट हो जाएगा, तब जो रियल गैस है वो आइडल स्टेट में हो जाए कन्वर्ट हो जाएगी हम कह सकते हैं। दिस कैन हैपन एट सफिशियंट लो डेंसिटी ऑफ द रियल गैस। अब देखिए ये कब हो सकता है, जब रियल गैस की जो डेंसिटी है वो लो है, एट सफिशियंट लो डेंसिटी यानी कि जो डेंसिटी है वो कम होनी चाहिए, तभी रियल गैस ये आइडियल स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। जब डेंसिटी कम रहेगी तभी रियल गैस ये आइडियल गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, देखिए एट लो प्रेशर यानी कि अगर आप उस गैस पे लो प्रेशर लगा रहे हो यानी कि कम प्रेशर लगा रहे हो तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर भागने लगी जाएंगी, यानी कि उनके पास स्पेस जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी क्योंकि आप प्रेशर नहीं डाल रहे हो। देखिए ये कंटेनर है, इनमें क्या है मॉलिक्यूल से गैस की, अगर और यहाँ पिस्टल है सपोज, तो अगर आप ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। राइट, पर अगर पिस्टल ऊपर चली गई, पिस्टल ऊपर चली गई यानी कि प्रेशर डिक्रीज हो गया, और प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हो गया तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्री से पूरी जितनी भी स्पेस है वो उतनी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यानी कि जो भी एटम्स जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्प्रेड हो जाएंगे, जिसके कारण रियल गैस से आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट एंड देयर फोर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन आर नेग्लिजिबल। सो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण जो उनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है यानी कि बिल्कुल भी नहीं होता है, ना के बराबर होता है। अंडर दिस कंडीशन बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस इज सो क्लोज टू दैट ऑफ आइडल गैसेस। और जब लो कम प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर रहता है इस कंडीशन में रियल गैस का जो बिहेवियर है वो आइडल गैस के इक्वल हो जाता है। ऑफ कोर्स द टेम्परेचर ऑफ रियल गैस मस्ट बी वेल अबाउ इट्स लिक्विफिकेशन टेम्परेचर, लिक्विफैक्शन टेम्परेचर। सो यहाँ देखिए, सो बट हम ये थेरी किसके लिए सीख रहे हैं, गैस के बारे में सीख रहे हैं। राइट, सो जो टेम्परेचर है रियल गैस का वो लिक्विफिकेशन टेम्परेचर के क्लोज नहीं जाना चाहिए, यानी कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, उसे गैस स्टेट में ही रखना है। तो जो टेम्परेचर है हम उसको लिक्विफिकेशन के ऊपर नहीं लिखे जाएंगे, लिक्विफिकेशन से दूर रखेंगे, जिसके कारण जो गैस है वो गैस स्टेट में ही रहेगी और आइडियल गैस बन जाएगी। आइडियल गैस सर्व्स एज अ मॉडल टू डेड्यूस सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल गैसेस एटलीस्ट व्हेन द रियल गैस इज इन द आइडियल स्टेट। तो देखिए आइडियल गैस क्या करती है, आइडियल गैस एक मॉडल बन जाती है, यानी कि आइडियल गैस के हेल्प से हम रियल गैस के कुछ प्रॉपर्टीज सीख सकते हैं, आइडियल गैस से हम कुछ रियल गैस के प्रॉपर्टीज सीख सकते हैं, क्योंकि रियल गैस में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। राइट, क्योंकि सारे पार्टिकल्स जो है वो मोशन में होते हैं, बट रियल गैस में सॉरी आइडियल गैस के हेल्प से हम रियल गैस के प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं, एटलीस्ट जब रियल गैस ये आइडियल स्टेट में हो तब तो भी हम ये स्टडी कर ही सकते हैं। यू हैव स्टडीड डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इन 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। आपने 11th केमिस्ट्री में, 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में ये देखा ही होगा कि रियल गैस के जो डेविएशन है वो हम आइडियल गैस के डेविएशन आइडियल गैस से कैसे फाइंड आउट करते हैं। राइट, आपने 11th केमिस्ट्री में देखा होगा कि रियल गैस के
जो डेविएशन से वो हम आइडियल गैस से कैसे बताते हैं। तो ये हमने देखा आइडियल गैस एंड रियल गैस के डिफरेंस के बारे में। अब हम देखने वाले हैं हमारा फोर्थ पॉइंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, बिहेवियर ऑफ गैस देखा जिसमें हम एवरेज फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं एंड देन उसको रिलेट करते हैं मैक्रो पैरामीटर से, यानी कि पूरे कंटेनर के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से। एक मॉलिक्यूल के साथ हम कभी भी गैस के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन में हमने आइडियल गैस की इक्वेशन बनाए यूजिंग द थ्री लॉस एंड देन इन द थर्ड टॉपिक वी सॉ आइडियल गैस एंड रियल गैस के बीच में बिहेवियर। आइडियल गैस में इंटर मॉलिक्यूलर इंटरक्शन नहीं होता, रियल गैसेस में होता है। रियल गैस या आइडियल गैस बन सकती है जब लो प्रेशर हो एंड हाई टेम्परेचर हो, पर टेम्परेचर इतना भी लिक्विफिकेशन के क्लोज नहीं जाना चाहिए क्योंकि आइडियल गैस ये हमें आइडियल ये हमें गैस में ही चाहिए इसके लिए। एंड आइडियल गैस के हेल्प से हम रियल गैस के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। सो थैंक यू।